मैंने जो देखा ये मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि मैं तो सोचा था कि कल्कि 2098 AD ये कल्कि के बारे में कहानी होगी, लेकिन ये तो कल्कि के बारे में कहानी नहीं है यार, बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी भी नहीं है। तो ये कहानी माता सुमाती के बारे में है, जो जिन्होंने भगवान कल्कि को एज अ बेबी कंसीव किया है। अब उनकी जान पे ये खतरा आ गया है, क्योंकि कल्कि को तो पता चल गया ना कि कल्कि आ गया है, अब जिसके लिए वो पीछे पड़ गया कि यार अब इसको पैदा होने से पहले ही मार देंगे। और अपना भैरवा भैरवा है, रुद्रांश लग रहा है मुझे किसी टाइप का, क्योंकि कहानी ये भी है कि कल्कि के साथ महादेव भी अवतरित होंगे। तो अगर आप लोग इसके बारे में नहीं जानते हो तो आप लोगों को मैं अपडेट कर देता हूँ कि महादेव भी अवतार लेंगे इस कलयुग में। तो ये कहानी मोस्ट प्रोबेबली उन्हीं के बारे में होने वाली है कि वो किस तरीके से कल्कि को बचाएंगे, क्योंकि उनका काम है कल्कि को गार्ड करना, और जब कल्कि सब कुछ रीसेट करेंगे तो उनका साथ देना। हनुमान जी तो होंगे ही, लेकिन उनके साथ महादेव अपने एक अलग रूप में अवतरित होंगे, जो उनकी पूरी तरीके से सहायता करेंगे हर चीज़ में, उनका मार्गदर्शन भी करेंगे सप्त चिरंजीवियों के साथ। ये कहानी इन्हीं दोनों लोगों के बारे में होने वाली है कि ये दोनों लोग किस तरीके से माता सुमाती को बचाते हैं, और माता सुमाती को बचाने के साथ साथ कल्कि को किस तरीके से ये लोग इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। तो ये तो क्लियर है कि कल्कि का रोल महेश बाबू के, तो ये तो क्लियर है कि कल्कि का रोल प्रभास नहीं कर रहे हैं। तो आखिर कौन कर रहा है? अब मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं कल्कि का रोल कौन कर रहा है। अंग वस्त्र वगैरह तो सब कुछ दिखा दिया, लेकिन ये कल्कि नहीं है, ये है अपने भैरवा महादेव का एक अंश, रुद्रांश कह सकते, शिवांश कह सकते हैं। और एक और चीज़, ये लोग योस्किन योस्किन बुला रहे हैं, अश्वत्थामा अपनी मड़ी को लेके बैठे हैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं। मैं यार बहुत ज़्यादा चाह रहा हूँ कि एक डिटेल वीडियो निकालूँ भयंकर वाली, इतनी डिटेल्स डालूँ कि आप लोग, तो यार मैं क्या कह रहा हूँ कि अगली वीडियो आने वाली है टोटल ब्रेकडाउन, और इतना भयंकर ब्रेकडाउन करूँगा कि कोई, क्योंकि मैं बहुत कुछ देख पा रहा हूँ यार इसमें, एक दो चीज़ें नहीं देख रही, बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो मैं पॉइंट आउट कर देता हूँ, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भैरवा, कल्कि, माता समाती, और यहाँ कुछ कल्कि का टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, बहुत कलेश होने वाला है। इतने सारे लोगों के बारे में यार अगली वीडियो में बात करने वाला हूँ, पूरा ब्रेकडाउन करेंगे।